हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवाई एकेडमी। आई होप आप सब लोग अच्छे हैं और अच्छे से प्रिपरेशन चल रही है। तो फ्रेंड्स, आज आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 एमसीक्यूज अकबर के बारे में, ग्रेट रूलर अकबर, राइट? उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए 10 एमसीक्यू शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और उसके साथ साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि थोड़ा चैनल को प्रमोट करने में हमारी हेल्प करें, क्योंकि हम मार्केटिंग अदरवाइज नहीं करते हैं, आपके थ्रू ही मार्केटिंग हो पाती है। और कोई भी आप टॉपिक चाहते हैं जो मैं कवर करूं, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, वो टॉपिक आपको मिल जाएगा। तो चलिए बिगिन करते हैं लेक्चर। प्रिपेयर रहिए और नोटबुक पे नोट करते रहिए, जो भी आप सॉल्व न कर पाए नोट करिए उसे नोटबुक में, ठीक है? चलिए बिगिन करते हैं। तो भाई पहला क्वेश्चन आ रहा है, अकबर वॉज क्राउंड एज मुगल एम्परर आफ्टर द डेथ ऑफ हुमायूं एट। तो फ्रेंड्स, आजकल जो है सीधे साधे क्वेश्चन आते नहीं है, ये थोड़ा सा टेढ़ा सा क्वेश्चन है। अगर आप देखें ना, थोड़ी सी ऐसी चीज है जो बुक्स में होती नहीं है, राइट? आजकल अगर आप यूपीएससी स्पेशली देख रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, और स्टेट पीसीएस भी पूछ रहे हैं, क्योंकि हिस्ट्री के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं। तो अकबर को राजा कहाँ पे बनाया गया, किस और कितनी उम्र थी, आप कमेंट सेक्शन में लिखो कितनी उम्र थी। उम्र को देखो नहीं पूछेगा, पक्का नहीं पूछेगा, ठीक है? स्टेट पीसीएस शायद पूछ ले, वैसे तो वो भी नहीं पूछेंगे। उम्र तो यूपीएससी तो कभी नहीं पूछेगा और स्कूल के एग्जाम भी नहीं पूछते। उम्र लेकिन क्या थी आप कमेंट सेक्शन में लिखो। क्राउन कहाँ पे बनाया गया था उन्हें, आगरा, दिल्ली, कालानौर, फतेहपुर सीकरी। तो बताइए इसका आंसर क्या है। देखिए इसमें थोड़ा सा एलिमिनेट करने में हेल्प मिल सकती है कि फतेहपुर सीकरी को तो अकबर ने खुद ही बनाया था, तो क्या वहां पे क्राउन करेंगे, ठीक है? और अब तीन ऑप्शंस रह गए, वैसे सही बताओ तो इन तीन में से कुछ भी हो सकता है। अब दिल्ली उस टाइम पे इतना पॉपुलर नहीं था, पॉपुलर था मैं मना नहीं कर रहा, इतना पॉपुलर नहीं था कि बनाया जाए, लेकिन बन वहां पे भी सकते हैं, ठीक है? ये एलिमिनेट करने का वैसे सही तरीका है नहीं, लेकिन मैं उसमें ये बता रहा हूँ कि कैपिटल उस टाइम में आगरा हुआ करती थी, आगरा आगरा, ठीक है? उस टाइम में जो डेथ हुई थी हुमायूं की, हुमायूं की सीढ़ी से गिर गए थे, डेथ हो गई थी, ठीक है? फिर उनकी बड़ी अनफॉर्चुनेट डेथ हुई थी, क्योंकि उसी साल वो जीत के आए थे। तो उसके बाद अकबर को राजा बनाया गया, और वो जो जगह है वो कालानौर है, कालानौर जगह है, कालानौर। अकबर जो उस टाइम पे वो जहां पर थे वहीं पे राजा बनाया गया, वो कालानौर पे प्रेजेंट थे। ये होता है जैसे डेथ हुई तो इमिडिएटली एक लूप होल बन जाता है सिस्टम में, लूप होल की कोई राजा ही नहीं है, तो जल्दी से राजा बनाना होता है, तो बेटे को राजा बनाया अकबर को। हाँ जी ठीक है, कालानौर कहाँ पर है, गुरदासपुर, गुरदासपुर कहाँ पर है ये मैं नहीं बता रहा, ये आप बताओ कमेंट सेक्शन में कि गुरदासपुर कहाँ पर है, ठीक है? कालानौर, गुरदासपुर, कालानौर दो है, एक दूसरा भी है हरियाणा वाला, ये अलग है, ठीक है? तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ये आना चाहिए आपको हर, ठीक है? इसमें दो स्टेटमेंट्स आने चाहिए। इट वॉज फॉट बिटवीन अफगान फोर्सेस, एक एक वर्ड पे ध्यान देना, अफगान फोर्सेस लेड बाय हेमू, एक हिंदू अफगान फोर्सेस को लेड कर रहा है, ये लिखा है, ठीक है? ऐसे थोड़ा समझना होता है, ठीक है? अभी इसको आप थोड़ा कम्युनल वे में मत लेना, उस टाइम में तो होता नहीं था, आजकल तो कम्युनलिज्म बढ़ गया है आजकल, और स्पेशली मॉडर्न फिनोमेना है, अंग्रेज लाए थे और अब आज के टाइम में तो बढ़ ही रहा है, लेकिन उस टाइम में समझने की कोशिश करो कि कोई कम्युनलिज्म वाली बात नहीं थी। उस टाइम में हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, टैलेंट है तो आप लेड करो। तो एक हिंदू राजा क्या अफगान फोर्सेस को लेड कर सकता है, ये मैं आपसे पूछ रहा था। और मुगल फोर्सेस लेड बाय बैराम खान, बैराम खान ये कहां से आ गया था, ये कौन है ना? तो ये क्या सही है? सेकंड स्टेटमेंट दे रखा है 5 नवंबर 1555। जब ये बड़ी विचित्र बात पूछ ली। एक चीज याद रखो, कुछ कुछ जो बड़ी इंपॉर्टेंट डेट्स है, जैसे बैटल ऑफ पानीपत हो गई, तीन बैटल्स हैं, उसके बाद और बैटल आ जाती है, जैसे जैसे बैटल आती जाती है प्लासी की, राइट, बक्सर की, इनकी आपको एग्जैक्ट डेट याद होनी चाहिए, ये पूछ लिया जा सकता है एग्जाम में, ठीक है? इसमें बताइए ऑप्शंस क्या है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पता हो कि राजा कब बने अकबर, तो आप इसका आंसर दे पाओगे। कब बने थे राजा, 1556 में तो राजा बने, तो 1555 में लड़ाई कहाँ ही होगी, है ना? तो ये तो स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हेमू बहुत ही बहादुर लड़ाके थे, उनके बारे में ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता, क्योंकि हिस्ट्री थोड़ी ना अवेलेबल नहीं है। और कुछ लोगों ने पता क्या करते हैं, वो राजा की जगह उनको गॉड बना देते हैं, तो आजकल वो और सेंस हो गया है, तो इसकी वजह से हेमू जैसे ग्रेट रूलर को इतना मतलब देखा नहीं जाता, लेकिन उन्होंने बहुत युद्ध जीते थे, बहुत युद्ध, उनका आप थोड़ा सा समझे तो अच्छा आपको दिखेगा। तो देखिए 1556 में लड़ाई हुई थी, सेकेंड बैटल, फर्स्ट बैटल है, सेकेंड बैटल, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है? ये फर्स्ट बैटल यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सेकेंड है, ठीक है? इसको आप करेक्ट कर लें, ये फर्स्ट बैटल नहीं है, सेकंड बैटल की बात हो रही है, राइट? तो सॉरी ये मैंने गलत यहाँ पे लिखा, सेकंड बैटल की बात हो रही है, तो उसके हिसाब से आई होप आपने क्वेश्चन सॉल्व किया हो, राइट? फर्स्ट बैटल तो किसके बीच हुई थी, वो तो बाबर के बीच हुई थी, है ना? बाबर के साथ किसकी, इब्राहिम लोदी या सिकंदर लोदी, किसके साथ, कमेंट सेक्शन में लिखे आप। फर्स्ट बैटल किसके बीच में हुई, ये क्वेश्चन मेरा सेकंड बैटल के बीच हो रहा।
तो ठीक है, एक काम करना, आप 9 में से 4 देना, ये मेरी गलती हो गई, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग अकबर टाइम मीर बख्शी कौन थे? क्या ये हेड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट थे, हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट थे, हेड ऑफ जस्टिस डिपार्टमेंट थे, या इंचार्ज थे इंपीरियल हाउस होल्ड के, मतलब घर वर को देखना, ये कोई छोटी चीज नहीं है, ठीक है, बहुत बड़ा आदमी होता था ये, बहुत कॉन्टेक्ट होते थे। तो मीर बख्शी बताइए इन चारों में से कौन है? फ्रेंड्स इसका आंसर है हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट, ठीक है, मीर बख्शी अकबर के टाइम में हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट थे। रेवेन्यू का कौन थे और जस्टिस के कौन थे, कमेंट सेक्शन में आप लिखो। क्या जस्टिस के काजी थे, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में लिखे। अकबर का जो एम्पायर था, इतना बड़ा एम्पायर, वो कितनी सूबाज में डिवाइडेड था, मैं अकबर का बोल रहा हूँ, सबका अलग अलग सूबा में डिवाइडेड था, याद रखना, और उसका भी बिल्कुल अलग था, किसका, ग्रेट रूलर और वो ग्रेट रूलर अशोका, उनसे कंफ्यूज मत करना, ऐसा मत सोचना कि अशोक के टाइम में जो होता था वो अकबर के टाइम में होता होगा, और ये भी मत सोचना अकबर के टाइम में जो होता था वो औरंगजेब के टाइम में होता था, सबके टाइम में अलग अलग। तो सुभाष में डिवाइडेड था आपका एम्पायर, ऑप्शंस 11, 12, 15, 18, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वही क्वेश्चन वही फैक्ट दे रखे जो इंपॉर्टेंट है, बाकी फैक्ट्स नहीं आते, ठीक है, ऐसा फैक्ट नहीं पूछ रखा कि अकबर की तीसरी बीवी का नाम क्या था, वो सब नहीं पूछ रहे, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर है फ्रेंड्स 12 आंसर है, 12 कौन कौन सी, अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो रट लो, काबुल, लाहौर, मुल्तान, दिल्ली, आगरा, अवध, इलाहाबाद, बिहार, बंगला, मलवा, अजमेर, गुजरात, देख रहे हो ना, साउथ इंडिया नहीं है, साउथ इंडिया जो है कब आएगा, साउथ इंडिया मतलब डेक्कन भी नहीं है, मालवा के नीचे तो कुछ दिख नहीं रहा है ना, तो अभी आएगा वो आगे चल के, किसके टाइम में, शाहजहां के टाइम में, उसके बाद और बढ़ेगा औरंगजेब के टाइम में, मैक्सिमम लार्जेस्ट एम्पायर जो था वो औरंगजेब के टाइम में बढ़ेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग भेसाला सिस्टम, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1580, इसलिए डेट दे रखी है, पूछ लेते हैं, स्पेशली स्टेट पीसीएस, हरियाणा पीसीएस का पेपर देख लो, वो तो 2017 वाला जो था, पूछ सकती थी डेट्स। राजा टॉडरबल ने प्रिपेयर करा था भेसाला सिस्टम, क्या ये सही बात है? वन ओनली, टू ओनली, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, बताइए इसका आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है बोथ, बिल्कुल सही बात है, 1580 में, कुछ कुछ डेट्स याद होनी चाहिए, कुछ कुछ डेट, जैसे जिसिया का कब अबॉलिश करा अकबर ने, ठीक है, ऐसी चीजें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राणा प्रताप के बारे में आ गया, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, महाराणा प्रताप वॉज रूलर ऑफ मारवाड़, ठीक है, बैटल ऑफ हल्दीघाटी वॉज फॉट बिटवीन मानसिंह एंड राणा प्रताप, और आंसर क्या है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, इसका आप ऐसे सोचो कि उदयपुर कहाँ पर है, क्योंकि उदयपुर के जगह पे राजा थे कौन, राणा प्रताप, उदयपुर भी नहीं पता तो फिर तो क्या सॉल्व होगा, अगर नहीं पता तो नहीं पता, फिर क्या कर सकते हैं। उदयपुर अगर आप गए हो, बड़ी अच्छी जगह, मजा आएगा, जाओ आप उदयपुर में, अगर जाओ तो चित्तौड़गढ़ जरूर जाना, चित्तौड़गढ़ है ना, चित्तौड़गढ़ वहां पे फिर आपको काफी सारी पद्मावती के बारे में बताएंगे, फिर कुंभलगढ़ भी जा सकते हो, चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ में जाना हो तो चित्तौड़गढ़ जाना, ठीक है, तो अगर आप गए हो तो शायद इसका आंसर दे पाओ, वैसे तो पढ़ा होना चाहिए ये चीजें, इस पर ध्यान दो, मारवार लिखा है आंसर, मेवार है, मेवार, मारवार नहीं मेवार, मारवार और मेवार अलग अलग जगह है, ठीक है, इसलिए आपको छोटी छोटी चीजें आप ध्यान दे रही होंगी, है ना, छोटी छोटी चीज, मानसिंह लिखा था, ठीक है, मानसिंह ही थे या नहीं थे, आप बोलो नहीं अकबर गए थे लड़ाई में, मानसिंह गए थे, अब देखो दोनों राजपूत हैं, दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो उस टाइम में आप समझो कि कम्युनल चीजें नहीं थी, आजकल हो गई है, उस टाइम में मानसिंह जो थे अकबर और काफी इंपॉर्टेंट थे, इनको काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन, काफी इज्जत दी गई थी, है ना, राणा प्रताप जो थे वो उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं करी थी अकबर की स्विट्जरलैंड की, ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर ने जिजिया कब अबॉलिश कर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1564, 80, 75, 82, हमने देख लिया 1580 में उन्होंने कुछ और करा था, क्या करा था, अभी कुछ देखा था ना मैंने, याद है या नहीं है, भेसाला सिस्टम, ठीक है, भेसाला सिस्टम लाए थे वो, तो 1580 नहीं होगा आंसर, बाकी आप सोचो क्या होगा, आंसर है 1564, जिजिया अबॉलिश करा, जिजिया जो नॉन मुस्लिम्स थे उनसे अलग से टैक्स लिया जाता था, ठीक है, तो ये है वो हटा दिया गया, अकबर ने हटाया, ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट मनसबदारी सिस्टम, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, जात जो है, जात और सवार दो चीज होती है, उसका ही क्वेश्चन है, जात क्या पर्सनल रैंक होती है और सवार रैंक क्या ये इंडिकेट करती है कि आपको कितने घोड़सवार रखने होंगे, क्या ये बातें सही है, इंग्लिश में पढ़ लीजिए, इंडिकेटेड द नंबर ऑफ कैवलरी मैन अ पर्सन वाज रिक्वायर्ड टू मेंटेन सवार रैंक, डज इट मीन सो, और जात डज इट मीन कि जात इज अ पर्सनल रैंक, सो फोर ऑप्शन आर अगेन यर सेम, 1, 2 ओनली, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, एक चीज को याद रखना, सी कभी कभी नन ऑफ द अबव हो सकता है, डी कभी कभी बोथ ऑफ द अबव, ध्यान देके पेपर करना, ठीक है, यूपीएससी जनरली नहीं करता, स्टेट पीसेस में ध्यान रखना, वो वन में भी डाल देगा बोथ ऑफ द अबव, तो ठीक है, बोथ ऑफ द अबव बिल्कुल सही बात है, जात का मतलब पर्सनल रैंक, इतनी आपको सैलरी मिलती है, सवार रैंक का, सवार जो वर्ड लिखा है, सवार घुड़सवार है ना, ऐसे याद रख लो, काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं, इसे ऐसे याद रख लेना, बस हो जाएगा, मनसबदारी सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग सिस्टम था, ठीक है,
सबको रैंक दे दी गई थी, भले ही आप सिविलियन ऑफिसर हो भले ही आप मिलिट्री ऑफिसर हो, है ना, सबको रैंक दी गई थी मनसबदारी सिस्टम में, और रैंक के हिसाब से आपको इज्जत दी जाती थी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग इबादत खाना 2014 यूपीएससी प्रीलिम्स, मनसबदारी सिस्टम पे 2019 में ही आया क्वेश्चन। तो इबादत खाना क्या 1575 में बना था फतेहपुर सीकरी के अंदर, सब वर्ड्स पे ध्यान दो। इट वॉज ओपन फॉर ऑल रिलीजन सिंस बिगिनिंग, सब रिलीजन के लिए ओपन है शुरू से लेके। अकबर काफी, आपको पता है कि काफी लिबरल रूलर थे, सब रिलीजन को अलाउ करते थे, तो ये क्या बात सही है? वन ओनली, टू ओनली, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, इसका आंसर है वन ओनली, इबादत खाना। आप विजिट करें फतेहपुर सीकरी, आप वहाँ पे गाइड को ले लेना, वरना खुद कुछ समझ में नहीं आएगा। सरकार हमारी निकम्मी, आप सबको पता ही है, अब क्या बोले, अब जो भी है, वहाँ कुछ बोर्ड ही नहीं लगे होते। आप जाओगे फतेहपुर सीकरी विदाउट गाइड, आपको कुछ पता नहीं चलेगा, फोटो खिंचवा के वापस आ जाओगे, एक दो चीजें पता रहेंगी, बुलंद दरवाजा वगैरह, उसके अलावा कुछ सब पता नहीं रहेगा। फतेहपुर सीकरी जाओ, और जाना जरूर, अगर आगरा जा रहे हो तो फतेहपुर सीकरी ताजमहल से भी ज्यादा बढ़िया है, जाना जरूर इसमें, ठीक है? तो फतेहपुर सीकरी में आप देखोगे इतनी सारी चीजें, इबादत खाना है ना 1575 में। लेकिन शुरू में अकबर ने सिर्फ मुस्लिम्स को अलाउ करा था, ठीक है, शुरू में मुस्लिम्स को अलाउ करा था, मुस्लिम्स मतलब काजी को अलाउ करा था, मौलाना को, बातें करते रहते थे, और वो कभी कभी तो वो अकबर के सामने लड़ने बैठ जाते थे, गाली गलौच हो जाती थी, भाई नहीं मेरी बात सही तेरी बात सही। उसके बाद अकबर कुछ कहते थे तो उसकी बात मानते नहीं थे, अकबर काफी लिबरल थे, तो शुरू में अकबर काफी ऑर्थोडॉक्स थे, काफी ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे, लेकिन उन्होंने जैसे सीधे चीजें समझी तो उन्होंने सोचा सब रिलीजन का एक ही डायरेक्शन है, जो सही बात है, उन्होंने सही सोचा, अपना भी रिलीजन काइंड ऑफ उन्होंने शुरू करा, है ना, सुलेकुल नाम था। तो शुरू में ये सबके लिए अलाउ नहीं था। फिर आप देखोगे काफी कुछ सालों बाद 1580 के अराउंड अकबर ये सबके लिए अलाउ कर देंगे, और यही टाइम था जब अकबर काफी लिबरल बन जाएंगे, है ना। तो ये चीजें हैं आपको याद होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, मनसबदार को क्या जागीर दी जाती थी या कैश? अब जागीर का मतलब होता है लैंड दे देना, लैंड, कि भाई जा तेरा मुंबई पूरा हो गया, है ना, तो जा तेरा भाई ये वाला लैंड वहां पे चले जाओ, बिहार के पास कोई लैंड ले ले, वो तेरा हो गया, है ना, तो जागीर वो हो गई। जागीर आजकल भी चलती है ना, वर्ड्स यूज करते हैं गांव गाँव में, आपने सुना हो, सीरियल वीरियल देखते हो, ये मेरी जागीर है ना। तो जागीर मतलब लैंड दे देना, तेरा राइट है सारा वहां पे, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर, है ना, मेनली लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना जागीर। पुलिस ज्यादा नहीं देखना, ठीक है, पुलिस का ज्यादा नहीं देखते, जागीर मतलब लैंड वगैरह देखना, है ना, तो जागीर वो करते हैं जागीरदार। या कैश दिया जाता था मनसबदार को, क्या जागीर दी जाती थी या कैश, ये पूछ रहे हैं। ऑरिजन ऑफ मनसबदारी सिस्टम कैन बी ट्रेस बैक टू चंगेज खान, हु ऑर्गेनाइज्ड हिज आर्मी ऑन डेसिमल बेसिस। डेसिमल बेसिस मतलब 10-10 के 10, 100, 1000 ऐसे करके एक साथ रैंक में रखना, ठीक है, राजा के अंदर सीधे 10 होते थे, उनके अंदर 100 होते थे, फिर 1000, ऐसे डेसिमल सिस्टम इसको बोलते हैं, ठीक है, 10-10 के मल्टीपल में रखना घुड़सवार को और या आर्मी को, ठीक है, 10-10 के मल्टीपल में, ये डेसिमल सिस्टम है। आप काफी बार ये वर्ड सुनेंगे काफी बार, क्योंकि अच्छा सिस्टम माना जाता था ये, ठीक है, अभी भी टर्किश आर्मी में अभी भी ये फॉलो हो रहा है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या सही है या गलत है, तो आप इसको बताइए। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, याद रखिए, आप जागीर भी दी जाती थी, कैश भी दिया जाता था, ठीक है, कैश को नगदी भी बोला जाता था, नगदी, और जागीर जिसको मिलती थी उसको जागीरदार बोला जाता था। तो फ्रेंड्स, अब कमेंट सेक्शन में बताओ आपको कौन से अच्छे लगे, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, जहाँ पे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, और ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। कोई भी टॉपिक आप चाहते हो मैं कवर करूँ, कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करें।